जब से कोरोना वायरस ने पांव पसारा है तब से लेकर अब तक सैकड़ों डेंटलों के मरीजों की स्क्रीनिंग डेंटल विभाग की ओर से की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान डेंटल के मरीजों से डॉक्टर की टीम फॉर्म दिए गए जानकारी के मुताबिक जानकारी इकट्ठा कर रही है, जिसमें मरीज भी सहयोग कर रहे हैं। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में डेंटल विभाग में रोजाना सैकड़ों मरीज दांत से जुड़ी समस्या को लेकर आते जाते रहते हैं। इसी डेंटल विभाग के साथ साथ कुल 8 डेंटल विभाग भी मेडिकल अस्पताल में कार्यरत है। कोरोना वायरस को लेकर मेडिकल प्रबंधन की ओर से राज्य सरकार के बताए गए आदेश निर्देशक अनुसार मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डेंटल विभाग में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई स्क्रीनिंग कर रहा है। यहाँ पर एक फॉर्म रखा गया है जिसमें स्क्रीनिंग के पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं। डेंटल विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में इनविजन की टीम मेडिकल के दंत विभाग में आई है। ये वो डेंटल विभाग में आई है। ये वो डेंटल का विभाग है जहां 8 ऐसे विभाग होते हैं, उन्हीं में से एक ये है। और हम आपको इसलिए आज ये बताने जा रहे हैं क्योंकि आज यहां पे जो पेशेंट आते हैं उनका स्क्रीनिंग यहां पे किया जाता है। इस समय हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि किस तरह से स्क्रीनिंग करते हो यहां पे आने वाले पेशेंट का? जी, स्क्रीनिंग के लिए सबसे हम पहले पेशेंट को ये एक क्वेश्चनेयर है, उसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो पूछते हैं। उसके मुख्य क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पेशेंट को बुखार है क्या, पेशेंट को खांसी है, सर्दी है, या पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पेशेंट बाहर भारत के बाहर से आए हैं, घूम के आए हैं, या भारत में ही कई जगहों पे जाके आए हैं। ये भी प्रमुख प्रश्न है जो हम पूछते हैं। इसके अलावा उनको नहीं तो उनके घर में किसी का ऐसा पॉजिटिव हिस्ट्री है बाहर जाने का वगैरह, वो भी पूछा जाता है। और इसके बाद में पेशेंट का हम देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर वो सीवियर एक्यूट कंडीशन नहीं है तो पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि आपका जो भी तकलीफ़ है उसके लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन आप लीजिए और 15 दिन के बाद आप आके दिखाइए, लेकिन 31 मार्च तक तो भी आपको यहाँ नहीं आना है। और सस्पेक्टेड इसमें दिखाई देता है तो सस्पेक्टेड उसमें रहा तो हमारे पास सब डॉक्टर्स के तरफ कंट्रोलर रूम फॉर कोरोना का नंबर दिया गया है, जो गवर्नमेंट का नंबर है उस पर हम कॉल करते हैं, तो वहाँ से फिर लोग आते हैं और जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट है उसको वो लेके जाते हैं। कितने पेशेंट की जाँच की गई स्क्रीनिंग? अभी तक तो 100 से ऊपर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की गई है और उसमें एक भी ऐसे सस्पेक्ट लगा नहीं है, पर फिर भी हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। अब तक 100 के आसपास पेशेंट का स्क्रीनिंग किया गया है जिसमें से कोई भी ऐसा पॉजिटिव नहीं मिला है। शुक्र है कि सभी निगेटिव मिले हैं। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उनके लिए एक कोरोना का एक अलग से वार्ड बनाया गया है, वहाँ पे कोरोना कंट्रोलर का एक वार्ड बनाया गया है जहाँ पे उन्हें भेजा जाएगा। अब तक के तो कोई ऐसा पॉजिटिव सिम्टम्स वाला मिला नहीं है, सब कोई निगेटिव मिले हैं। और काफ़ी अच्छा कामकाज आज इस डेंटल विभाग की ओर से पूरी डॉक्टर्स की टीम कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ संजय मिरे, इन बी सी न्यूज़, नागपुर।